अयोध्या जी का पावन आनंद दर्शन करके भगवान सूर्य भी रस में आ गए। सूर्य भगवान मास पर्यंत खड़े रहे इसलिए कि हमारे वंश में परमात्मा श्री हरि ब्रह्म ने अवतार लिया है, हम भी दर्शन कर लें। दर्शन भया नहीं, धूम की मिचकता धरा गगन के मध्य में छा गई। सूर्य भगवान गगन में है, नीचे आई पाई नहीं रश्मिया। बाबा भोलेनाथ कहते देवी यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गाना, देखि महो सब सुर मुनि नागा, चले भवन वर्णत नीच पारा। बाबा माँ से कहते हैं देवी दिन एक माह का हो गया, यह रहस्य कोई जान पाया नहीं। देवता मानवगण मुनि लोग नाग लोक के नाग सब उत्सव का दर्शन कर करके अपने अपने घर जा रहे हैं। अब बाबा बता करके उलझ गए तो माँ ने पूछा कि प्रभु क्या आप भी गए थे? तो बाबा ने कहे भी आप तो परम विदुषी हैं, आपसे क्या छिपाऊं, ये चौपाई दर्शन करिए। बाबा ने कहा और वे कहो नीज चोरी जायती दृढ़ मति तोरी, सुन गिर जायती काक भूषणी संग हम दो, मनुज रूप जानी नहीं को, दोनों परमान हैं, आपसे क्या छिपाऊं। नीलगिरी से काकभुसुंडी जी जब कैलाश आए तो उनके संग में मैं भी गया, तो मां ने पूछा कि बाबा हमको नहीं ले गए? तो बाबा बोले देवी पिछली बार आपको कथा सुनाने ले गया था तो भगवान दंडकारण्य में विचरण कर रहे थे, आपको भ्रम हो गया था, इस बार तो सरकार पालने में झूल रहे होंगे, तो मैं सोचा इस बार भी कहें उल्टा पुल्टा न हो जाए, जासो नहीं ले गया। बाबा ने उक्ति तो बहुत अच्छी रखी और मेरी माँ को संकोच हुआ। देखिए कथा कह रही है सबको सब जगह लेके नहीं जाना चाहिए, कथा में भी जिसका मन रमे उसी को कथा में ले जाना चाहिए, नहीं तो बता देना चाहिए अपने चले जाना चाहिए, और किसी को ले भी आए
तो आगे उसको बैठाई, अपने एकदम पीछे कुर्सी पर बैठी है कि 3 घंटा ना आप उसको देखे ना वो आपको देखे। 3 घंटा आराम से वो बैठ के कथा सुनेगा, वो बार बार देखेगा पता नहीं कहाँ चपक गया ले आया था। 3 घंटे बाद वो मिलवो करेगा, कुछ कहवो करेगा। 1 दिन आपने बिठाया, अगले दिन से बात बन गई, क्योंकि कथा एक ही दिन में उलझन ठीक कर देती है। जिसे श्रवण कर मिल जाती है जन्म जन्म की व्यथा, यही है राम कथा। तो प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री प्रताप जी ने बड़ा सुंदर पद यहाँ बाबा के लिए लिखा है। पद बहुत लंबा है और सरकार को सुनाना है, इसलिए मैं सूक्ष्म रूप से भगवान के सहज स्वरूप को प्रणाम करते गुरुदेव भगवान का पद है वो आपको निवेदन करता हूं। स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं, हम वहीं आएंगे नीचे। स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं, स्वर्ग का देवता सामने आ। स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं, स्वर्ग का देवता सामने आ। कन्न के बालक सलोना अवध भोप का, बालक सलोना अवध भोप का। मेरे नैनों में अपवर्ग सुख छा गया, मेरे नैनों में अपवर्ग सुख छा गया। आज भी हंसी दिशाए कमल खिल गए, आज भी हसी दिशाए कमल खिल गए। टिमटिमाते दिए सभी जल गए, टिमटिमाते दिए सभी जल गए। आज परियों जाए मुदित, आज परियों ने मंगल सजाए मुदित। मन अनूठा नया चंद्रमा पा गया, मन अनूठा नया चंद्रमा पा गया। स्वर्ग कहते किसे जानते हम, स्वर्ग कहते किसे जानते।
बधाइयों का तांता लगा। बाबा कहते हैं मैया से देवी तेही अवसर जो जेहि विधि आवा दीन भूप जो जेहि मन गजरथ तुरग हे मगोही दीन नृप नाना मन संतोषे सपनि के जाता दे सकल तन बधाई के पावन अवसर पर जो आया गाया बधाई जिसने जो मांगा वही पाया। अच्छा ये भी बड़ा वैशिष्ट है क्या पाया अत जो आवश्यक था वो पाया गज जिसको हाथी चाहिए हाथी ले जाओ गाते हैं ना हम लोग हाथी घोड़ा पाल की अवध में आनंद भयो हाथी घोड़ा पाल की जय रघुबर लाल की हाथी घोड़ा पाल जिसको जो चाहिए वो ले गया। इसका अर्थ क्या है मन संतोषे सबको प्राप्ति पर संतोष था आदमी उतना ही चाहता था जितना उसकी अपनी आवश्यकता हो। देखिए इस अपर स्टोरी जो है ना ये खोपड़ी इसकी आवश्यकता की कोई सीमा नहीं है। मनुष्य मात्र को जीने के लिए बहुत नहीं चाहिए इकट्ठा करने के लिए बहुत चाहिए। भजन इकट्ठा करने की लोग सीमा बना लेते हैं सुख इकट्ठा करने की सीमा बना लेकिन जो पैसा संग्रह है इसकी कोई सीमा नहीं है। कहीं 300 करोड़ पड़ा है कहीं 150 करोड़ पड़ा है कहीं 17 करोड़ पड़ा है अब काम एको नहीं आएगा ना साधु को देना है ना अस्पताल खोलना है ना सेवा करना है बस धरा धरा क्या हुआ माचिस लग जाता जय जय सीताराम काम समाप्त। संग्रह की प्रवृत्ति भजन की हो समान के संग्रह की प्रवृत्ति अच्छी नहीं है और भगत के लिए तो वास्तव में दुखदायी है साहब। संग्रह नहीं करना संतोष में आठों जथा लाभ संतोष यथा लाभ कथा तो जितनी आवश्यकता है उतना लाभ आवश्यकता से अधिक का संग्रह ये व्याधि है। साधक को अपरिग्रह भाव सिद्ध रखना चाहिए जितना चाहिए उतना तो परमात्मा कृपा कर ही देते हैं इसलिए सबको संतोष हुआ। गजरथ तुरग हेम गोहीरा दीन है नृप नाना इसलिए पाकर सबको संतोष हुआ। इसी तरह सुनते रहिए चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।